मैं डॉक्टर उमा बारेट, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, हमने पिछले अध्याय में जैसे कि माघ के स्थिति काल और जीवन काल के विषय में अध्ययन किया था, अब उससे आगे माघ द्वारा रचित महाकाव्य शिशुपाल वध एक परिचय के विषय में अध्ययन करेंगे। शिशुपाल वध माघ की एकमात्र रचना है जो उनके उत्कृष्ट कलावादी कृतित्व को उपस्थापित करने में पर्याप्त समर्थ है। शिशुपाल वध के परिचय के लिए प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ का निम्न श्लोक विद्वानों में अत्यंत प्रसिद्ध रहा है। नेतास्मिन् यदुनन्दनः स भगवान वीर प्रधानो रसः श्रृंगारादिभिरङ्गवान् विभजयति पूर्णापुन पुनर्वर्णना। इंद्रप्रस्थगामद्युपाय विषयश्चय अद्यावसानं फलं धन्यो माघ कविर्वर्णयन्तु कृति नस्त सूक्ति संवेदना। शिशुपाल वध की कथा भी भारवी के किरातार्जुनीयम की भांति महाभारत से ली गई है। यद्यपि विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण तथा श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में भी शिशुपाल की कथा प्राप्त होती है, पर महाभारत के सभा पर्व में उक्त कथा का सविस्तार वर्णन उपलब्ध होता है। अस्तु, महाभारत को ही शिशुपाल वध की कथा का मूल स्रोत माना जा सकता है। महाकवि माघ ने महाभारत के कथानक को ज्यों का त्यों ग्रहण न करके उसमें पर्याप्त परिवर्तन एवं परिवर्धन करके ग्रहण किया है। फलस्वरूप शिशुपाल वध की कथा में अपेक्षाकृत अधिक रोचकता का समावेश संभव हो पाया है। कृष्ण एवं शिशुपाल की शत्रुता तथा युद्ध भूमि में श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने की कथा ही शिशुपाल वध का वर्ण्य रहा है। कथा में शिशुपाल को हिरण्यकश्यप तथा रावण का अवतार माना गया है तथा इसी क्रम में उसके वध की आवश्यकता भूभार हरण निमित्त संकेतित की है। शिशुपाल वध महाकाव्य में कवि ने द्वारिका से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए श्री कृष्ण के प्रस्थान से लेकर वहां शिशुपाल द्वारा अपमान किए जाने पर युद्ध तथा युद्ध में शिशुपाल के वध का कथानक वर्णित हुआ है। माघ के कवित्व का मूल्यांकन करें तो माघ के दोहरे व्यक्तित्व की यहाँ स्पष्ट झलक दिखाई देती है, जिसमें एक और उत्कृष्ट कवित्व है तो दूसरी ओर उदात्त पांडित्य। जहाँ तक कवित्व का प्रश्न है, माघ का कवित्व काव्य शास्त्र के नियमानुसार विकसित हुआ है। उनके इस कवित्व को अधिकाधिक कलावादी कहा जा सकता है। माघ के कवित्व में काव्य के शब्द तत्व का जितना सौंदर्य निखरा है, उतना ही अर्थ तत्व का भी। अतः माघ काव्य ही वस्तुतः शब्दार्थौ काव्यम इस काव्य लक्षण की कसौटी कहा जा सकता है। माघ काव्य प्रतिभा के अखंड भंडार के अधिष्ठाता है, लेकिन वे उसे स्वतंत्र नहीं उपस्थापित करते। फिर भी माघ के व्यक्तित्व में जो सबसे बड़ी दुर्बलता रही है, वह यह है कि उन्होंने पूर्व कवियों की रूढ़ पद्धति को अपनाने में हर जगह सजगता दिखाई है। यदि वे इस रूढ़ पद्धति को नहीं अपनाते तो संभव है उनका कवित्व और अधिक उत्कृष्ट बन पाता। काव्य के कलावादी दृष्टिकोण के पीछे उनके दो लक्ष्य रहे हैं। एक तो यह है कि वे परंपरा से हटकर काव्य की सर्जना नहीं करना चाहते तथा दूसरा यह है कि वे अपने पूर्व के सभी कवियों को कलावादिता में अपने से पीछे छोड़ देना चाहते हैं। यही कारण है कि माघ का व्यक्तित्व संस्कृत साहित्य सृजन के क्षेत्र में पर्याप्त स्पर्धात्मक रहा है। कवित्व के क्षेत्र में उत्कृष्टता तथा कलावादिता की अग्रगण्यता पाने के लिए माघ सर्वतंत्र स्वतंत्र पांडित्य लेकर उपस्थित होते हैं। उनका पांडित्य सभी क्षेत्रों में विशिष्ट जान पड़ता है। अतः यह कहा जा सकता है कि माघ केवल साहित्यकार अथवा कवि ही नहीं, अपितु व्याकरण, राजनीति, धर्म, दर्शन, वेद, पुराण, काव्यशास्त्र, कामशास्त्र, संगीत, आयुर्वेद, अश्वविद्या, गजविद्या आदि के भी श्रेष्ठ ज्ञाता रहे हैं। व्याकरण में उन्होंने भट्टी से बहुत कुछ ग्रहण किया है, अतः कई विद्वान उन पर भट्टी के स्पष्ट प्रभाव को स्वीकार करते हैं तो कोई भट्टी कारिणी कहते हैं।
राजनीतिक ज्ञान की प्रस्तुति के लिए माघ ने एक पूरे के पूरे सर्ग की रचना कर डाली। दार्शनिक ज्ञान के क्षेत्र में माघ ने सांख्य, योग, वेदांत तथा मीमांसा के अप्रतिम उदाहरण दिए हैं। उदाहरण के लिए एक श्लोक उद्धृत किया जा सकता है, मैत्रदीचित्त परिकर्म विदो विधाय कलेश प्रणाह मेह लब्ध सबीज योग ख्यातिम च सत्व पुरुषान्य तयाधिगम्य वांछन्ति तामपि समाधि वृतो निरुद्धम। माघ वैदिक तथा पौराणिक ज्ञान के भी आगार थे। वैदिक कर्मकांडीय पद्धति का मूर्तिमान स्वरूप उनके महाकाव्य में 14 सर्ग में उपलब्ध होता है। वहाँ वे अनुवाक्य तथा याज्ञा मंत्रों के द्वारा हवि प्रदान करने का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार द्वितीय सर्ग में भी निहंतरनेक पदे च य उदात्त स्वरान कहकर वे अनुदात्तम पदे में एक वर्ज नियम की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं। यत्र तत्र पौराणिक आख्यानों के संकेत द्वारा माघ अपने पुराणानुशीलन का परिचय देते हैं। इसी प्रकार संगीत में स्वरौचित्य का प्रतिपादक श्लोक कवि की संगीत विज्ञता को स्पष्ट कर देता है। जहाँ तक उक्त उदाहरण माघ के पांडित्य के परिचायक है, वहीं स्वेद्यं माम ज्वरः प्राज्ञः को अम्बसा परिषिञ्चति तथा राजयक्ष्मेव रोगाणां समूह सह महीभ्रताम इत्यादि श्लोक उनकी आयुर्विज्ञता के एवं व्योमनिव भ्रकुटिच्छलेन वदने केतुश्चकारस्पदम इत्यादि श्लोक ज्योतिर्विज्ञता के प्रमाण कहे जा सकते हैं। कुल मिलाकर माघ का पांडित्य सर्वातिशयी है, जो किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ता। यही कारण है कि पांडित्य में माघ का समकोटी कोई अन्य कवि आज तक उत्पन्न नहीं हुआ है।